शुक्र है तुम्हारे घर में जनरेटर है, वरना गर्मी से बुरा हाल हो जाता। हाँ, बाकी गैस और बिजली के ऐसे हालात हो गए हैं कि खुशगवार माहौल में बैठकर लोग गपशप भी नहीं लगा सकते। पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा। हाँ, ये तो है। अवाम के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत उनको हल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। इससे तो एक ही बात सामने आती है, या तो हुकूमत इनको हल करने में संजीदा नहीं, या फिर वो इस काबिल ही नहीं कि इनको हल कर सके। आप ये कैसे कह सकती हैं? हुकूमत ने बेशुमार काम किए हैं, लेकिन आवाम को वही काम नजर आते हैं जो नहीं हुए। वो काम नजर ही नहीं आते जो हुकूमत ने किए हैं। इस पूरे अरसे में पाकिस्तान पब्लिक पार्टी ने सिर्फ एक काम किया और वो है करप्शन, जो कि उन्होंने खुल के की। मुस्लिम अलायंस कौन सी दूध से धुली हुई है, उसको भी जब जब मौका मिला है उसने भी खुल के करप्शन किए। मैं तो एक बात जानता हूँ कि ना तो सियासतदान और ना ही जमहूरी हुकूमत इस मुल्क के लिए वही ठीक रहेगा जो डंडे के जोर पे हुकूमत करेगा। डिक्टेटरशिप इन मसाइल का हल नहीं है, बल्कि एक तरह से मसाइल से आंखें बंद कर लेने वाली बात है। क्या आप समझती हैं कि मसाइल का हल मुस्लिम अलायंस के पास है? अगर मुस्लिम अलायंस के पास नहीं है तो तहरीके निजात के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तहरीके निजात के पास एक नया लीडर है, एक विजन है, और इस मुल्क की यूथ उसके साथ है। ना तो इस मुल्क की यूथ तहरीके निजात को जितवा सकती है और ना ही अवाम इन दोनों पार्टियों को एक और चांस देंगे। मुझे तो फौजी बूटों की आवाजें आ रही हैं और मैं उनको लबैक कहूंगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, अगर बूटों वाले आए तो इस मुल्क में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ, ये मुल्क मार्शल लॉ को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अब तो इलेक्शन करीब है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान पब्लिक पार्टी फिर से हुकूमत में आएगी। वेल, पाकिस्तान पब्लिक पार्टी मसाइल का हल नहीं बल्कि एक खुद बहुत बड़ा मसला है। तहरीक निजात के जलसों से आप लोगों को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगली हुकूमत तहरीके निजात की ही होगी। इस इलेक्शन में मुस्लिम अलायंस आपकी ये गलतफहमी दूर कर देगी। आप दोनों ने अपनी अपनी हुकूमतों के दौर में इतनी लूट मार की है कि लोगों के मसाइल हल करने की बजाय मुल्क के तमाम वसाइल को पामाल करके रख दिया। वसाइल? यही तो बात आपकी समझ में नहीं आ रही। अगर हमारे पास वसाइल होते तो हम जरूर बल्कि फौरन अवाम के मसाइल का हल देते। आखिर हमें भी तो अगला इलेक्शन जीतना होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन जब ये लोग इक्तदार में आएंगे तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्या समझ रही हैं आप? क्या इलेक्शन में भारी तादाद में सीटें हासिल की हैं। अब देखना यह है कि ये किसी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं या फिर ऑपोजिशन में बैठते हैं। बैठे बैठे प्लीज बैठे। जी बताइए कैसे आना हुआ? सर, आपके दोस्त तहरीके निजात के टिकट पर MNA मुंतखब हुए हैं और हमारे हल्के से हैं। हमने सोचा कि चलकर आपको मुबारकबाद दे दें और साथ में जनाब कुछ छोटे छोटे से मसले हैं हमारे, अगर आप MNA साहब से बात करके उन्हें हल करवा दें तो जनाब की मेहरबानी होगी। जी क्यों नहीं, बताइए क्या मसला है? मुबशर साहब बोलिए। जनाब हमारी तो जान पर बनी हुई है, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्यों, क्या हुआ? आपका भतीजा एक दवासाज कंपनी में स्टोर कीपर है, रात गोदाम पर छापा पड़ा और पुलिस मेरे बेटे को पकड़ कर ले गई। लेकिन क्यों? वो कंपनी जाली दवाइयाँ बनाती थी, लेकिन मेरे बेटे को तो नहीं पता था ना। अब पुलिस वाले भारी रकम मांगते हैं वरना जेल भेज देंगे। देखिए, अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं MNA साहब से बात करूंगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी।
सर बात दरअसल ये है कि तमाम कॉलेज प्राइवेटाइज होने की वजह से उन्होंने फीसें बढ़ा दी। हम स्टूडेंट्स ने मिलकर एहतजाज किया तो उन लोगों ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। सबको निकाल दिया? नहीं सिर्फ मुझे। वो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें लीड कर रहा था। अच्छा कुछ करते हैं। हामिद साहब मैं जॉब के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। बहुत कोशिश की लेकिन कहीं बात नहीं बन सकी। अगर आप एम एन ए साहब से बात करके कहीं अच्छी सी जॉब दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ? जी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये सिविल आया हूँ। अरे वाह आप तो बड़े काबिल आदमी हैं। तो समझे कि आपकी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। सर मेरा भी एक छोटा सा मसला है। जी जी बताइए। सर मेरी बीवी को हेपेटाइटिस सी है, इलाज चल रहा है। पहले तो हॉस्पिटल वाले दवाइयाँ दे देते थे मगर अब वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। जहाँ दवाइयाँ हमें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं और इतनी महंगी हैं कि हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हॉस्पिटल में फ़ोन करवा दीजिए तो उसका इलाज जारी रहेगा जनाब, नहीं तो। अच्छा ठीक है, एमएनए साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे तो हम उनके पास जाएंगे। वो बहुत सच्चे और खरे आदमी हैं, इंशाल्लाह आप सबके मसाइल हल हो जाएंगे। एमएनए साहब बैठे? जी बैठे हुए हैं। उनको बताओ कि मैं आया हूँ। सर जरा मीटिंग में हैं तो आप जरा इंतजार कर लें। यार उन्हें मेरा नाम लो कहो हामिद आए। देखिए जब तक मीटिंग चल रही है ना मुझे भी इजाजत नहीं अंदर जाने की, तो प्लीज आप जरा इंतजार कर लें। अच्छा हामिद साहब आप आए। आए आप लोग भी। आप सबकी दरखास्तें मैंने पढ़ ली हैं और आप लोगों से बात भी हो गई है। अब मैं देखता हूं कि इस सिलसिले में क्या इकदाम हो सकते हैं। सर मेरा मसला जरा इमरजेंसी वाला है, अगर फौरी तौर पे कुछ ना किया गया तो वो मेरे बेटे को जेल भेज देंगे। जी मैं समझता हूँ लेकिन शायद इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। देखिए ये दफ्तरी काम है, दफ्तरी कामों में वक्त तो लगता है ना। आपको तो पता है मैं सिफारिश पर यकीन नहीं रखता और ये लोग अपने तौर पे बहुत कोशिश कर चुके हैं मगर इनके जायज़ काम भी अभी तक नहीं हुए। गुर्बत और महंगाई इतनी शदीद है कि थाना हो या कचहरी या कोई भी कारोबारी जिंदगी, हर इदारे में रिश्वत और बदउनवानी के बगैर इनके घर तक नहीं चल रहे। और दूसरी तरफ ये गरीब लोग हैं, अब बताएं आखिर ये क्या करें। इस मौके पर आपके पास आने के अलावा और मैं क्या करता। हामिद साहब आप तो सियासी आदमी हैं, आपके तो इल्म में है कि हर काम के होने का एक तरीका एक सिस्टम होता है। सिस्टम बदलने के लिए तो आपको वोट दिए थे, हम सब आपके हलके के लोग हैं और आप आज यहाँ बैठे हैं तो हमारे वोटों की वजह से बैठे हैं। अगर आपने वोट दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसके साथ मैं हर आने वाले की मुश्किलें और उसके मसाइल चुटकियों में सॉल्व करता हूँ। अफसोस, सद अफसोस, इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता जिस तरह दूसरे ममालिक ने की है। कौन सी तरक्की, कहाँ की तरक्की? तरक्की क्या मुल्कों की होनी चाहिए या उन मुल्कों में बसने वाले लोगों की तरक्की होनी चाहिए? क्या आलमी सरमायादार ताकतों की मदद के बावजूद अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया और टर्की में गरीब और अमीर नहीं है? क्या वहाँ हर आने वाला दिन वहाँ के लोगों को नाखुश और परेशान नहीं कर रहा है? क्या वहाँ के लोगों को तमाम चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक और बराबरी की बुनियाद पर मुहैया हो रही हैं? ये सब झूठ है। जब तक सरमायादाराना निज़ाम रहेगा लोगों में फ़र्क रहेगा और अपने अपने वसाइल के मुताबिक तमाम मुल्कों के गरीब अवाम पर जुल्म और इस्तेसाल जारी रहेगा। आलमी सरमायादाराना निज़ाम ने जहां बज़ाहिर तरक्की याफ्ता मुल्कों को पुल, सड़कें, बिजली, पानी और ख़ुराक मुहैया की हैं, वहां उसने बेरोज़गारी, शदीद नौयत के औकात मेहनत, महंगाई
और इंसानों में बढ़ती हुई तबकाती तफरीक भी दी है। वहां पर भी मेहनत कश तबका बहुत मुश्किल में है। तो फिर आखिर हमारा क्या बनेगा? हम तो तीसरी दुनिया के शहरी हैं। इस निजाम में तो हमारा कुछ नहीं बन सकता। अगर हम इन ताकतों के गुलाम बन जाएं और इनकी मदद हासिल भी कर लें तो भी हम आवाम की अक्सरियत को खुशहाली नहीं दे सकेंगे। चीन और इंडिया को देख लें, वो भी अभी तक अपनी आवाम की अक्सरियत के लिए कुछ नहीं कर सके और आइंदा ऐसा कुछ होता नज़र भी नहीं आता। वहाँ भी आज भी भूख, गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी नाचती हैं वहाँ पर। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी ये समझता था कि इलेक्ट होने के बाद मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँगा, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि इस निज़ाम में रहते हुए हमारे जैसे पसमानदा मुल्कों के पास तो इतने वसाइल भी नहीं हैं कि खुशहाली तो दूर, हम तो गरीब आवाम के बुनियादी मसाइल भी हल नहीं कर सकते। लेकिन आखिर क्यों? अगर हम मेहनत करें तो क्या हम तरक्की नहीं कर सकते? इसलिए कि हम और हमारे जैसे सारे मुल्क इब्तदाई से आलमी सरमायाकारी की दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे। ये नेशनल नहीं, ग्लोबल इकॉनमी का दौर है। आलमी मईशत का कंट्रोल जिनके कब्जे में है वही ये मुतय्यन करते हैं कि किस मुल्क में कितनी तरक्की हो सकती है और उसकी क्या शराइत होनी चाहिए। आलमी ताकत का ये बैलेंस अगर कुछ मुल्कों के दरमियान चेंज हो भी जाए तो इस निज़ाम में ज़्यादातर मुल्क और इंसानों की अक्सरियत हमेशा गरीब और महकूम रहेगी। ये सीसॉ की तरह है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। जब तक इस सरमायादाराना निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाता तब तक ये दुनिया ऐसे ही रहेगी। और सरमाया अपनी बका के लिए इंसानों को नस्लों, कौमों और मजहब की बुनियाद पर लड़ाता रहेगा और आलमी वसाइल की इंतहाई बहुतात के बावजूद खुशहाली एक ख्वाब बन के रह जाएगी। क्या आप अब भी इसी निजाम में रहना चाहते हैं? Do you still want to live under the system?